कर जी खान साहब करें बात। थे। देखें, ये कहा जाता है कि जो रूहें हैं ना, जो नेक होती हैं, जब तो कुरान, सबसे पहले तो कब्र में सवालात होते हैं, जो तीन मेजर सवाल हैं। उन सवालों के बाद ही फैसला होता है कि ये नेक है या बुरा है। तो उसके बाद अगर नेक रूह होगी तो उसको फिर अलीन में लेके चले जाते हैं, और जो बद होगी तो उसको सिज्जीन, आई थिंक ऐसा वर्ड है, सिज्जीन, तो उसमें चला जाता है वो। नहीं, सिज्जीन में नेक रूहें जाती हैं, बुरी रूहें जाती हैं अलीन में। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं उल्टा कह गया था। तो फिर उन पे क़यामत तक के जो अजाब है, जो मामलात हैं, ये होते रहेंगे। फिर जब क़यामत आती है, जो हिसाब किताब होता है, उसके बाद फिर जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है, जन्नत या दोजख। वो डेस्टिनेशन जो है वो फाइनल है, लेकिन जो रास्ता है उस रास्ते में भी जवाब देते हुए ही जाना है, अपनी सजा भुगतनी है। और कुरान पाक की एक आयत भी है ना, कि जब ये कुफार को, यानी कि जो नाफरमान लोग हैं, इनको जब जहन्नम में जलाया जाएगा तो इनकी जो चमड़ा है, ये खाल है हमारी, जो जिल्द होती है, ये जल जाएगी, तो फिर इनको नई जिल्द पहनाई जाएगी, फिर इन पे अजाब आएगा। और आज ये साइंस ये चीज़ प्रूफ कर रही है कि हमारी जो जिस्म की जो फीलिंग्स हैं, यानी कि ठंडा, गर्म, जलना, दर्द, ये हमारी स्किन फील करती है। वो जो है ना पैगामात फिर दिमाग को पहुंचाती है, और दिमाग जो है फिर आगे रिएक्शन करता है कि अगर हमारी उंगली किसी गर्म चीज़ में टच हो गई है तो वो दिमाग जो है 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में को हटाओ, तो इसलिए हम लोग फौरन अपनी उंगली हटा लेते हैं, क्योंकि ये स्किन है ऊपर। अगर ये स्किन नहीं होगी तो हम लोगों को जलन या गर्मी या ठंडा, ये इस चीज़ की फीलिंग नहीं होगी। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं नई स्किन दूंगा ताकि उसको जलन का एहसास हो, उसको वो दर्द, वो तकलीफ महसूस हो। ये तो वाजह है, ये तो मेरे मुफ्ती साहब बैठे हुए मोहतरम, ये भी तो माशाल्लाह और डिटेल में सकते हैं हम लोगों को समझाएं। हम लोग तो थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए हैं, जो इधर उधर से पढ़ा है सुना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी जी नहीं, वो खान साहब जो आपने पहले पढ़ा था ना, इलीयीन, वो सही पढ़ा था आपने। और सिज्जी है ना, वो जो गुनहगार होंगे, जो नेक हैं, उनकी इलीयीन में, वो सही आपने पहले पढ़ा था आपने। ये जी अल्फाज असिफ सिमिलर है ना। भाई, हाँ भाई, 1 मिनट दें जी। उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा गया हुआ था, अभी आया हूँ। जी अच्छा, बात वालेकुम सलाम। पीर चुस्कानी आया था, और उससे बात हुई थी कि भाई तुमने नबी अलैहिस्सलाम के लिए और शहदा, अम्बिया और औलिया के लिए मुर्दा लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है? तो जबकि अल्लाह ताला ने ये मना फरमाया, उसके ऊपर मैं उसको आयत पेश की, सूरह बकरा की 154, के अल्लाह ने फरमाया है कि वला तकुलू लिमा युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, के उनकी वफात, उनकी मौत, या जबकि वो शहीद कर दिए जाएं तो उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और इसकी जो है वो तुम्हें, इसका तुम्हें शऊर नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने यहाँ पे साफ मुतलक फरमा दिया, और इसकी तफसीर भी है कि खुद वो बता रहा था तफसीर, कि लोग कहते थे कि ये तो हमारे साथ रहते तो ऐसे ना मरते, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम इनको मुर्दा ना कहो। तो ये तफसीर थी, चाहे वो तफसीर का हवाला तो नहीं लिया, लेकिन मैं ये कह रहा था उसे कि यहाँ पे अल्लाह ने जब मुतलक मना कर दिया उम्मत को, तो तुम क्यों कह रहे हो कि मुर्दा? कहते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुर्दा कहा। मैंने कहा कि उन्होंने भी उनकी वफात का तذکرہ किया है, जबकि हुक्म तो ये है कि जबकि वो, जैसे कि हजरत उमर रजी तआला ने फरमा रहे थे कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो वफात नहीं पाए, जो ये कहेगा कि मैं उसको जो है वो उनको तलवार से जो है वो कत्ल कर दूंगा, जो ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है, वो कहने लगे उठ के कि अल्लाह की कसम उनकी वफात नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अहले सुन्ना व जमात यहाँ पे भी तर्जमा उनकी वफात का करते हैं, जबकि वो मुर्दा कर रहा था। तो
यहाँ पे एक हवाला जो है वो सही बुखारी की हदीस अभी मैंने निकाली है 34:35। वहां पे अंबिया के लिए और उस उम्मत के लिए हलाक का लफ्ज आया हुआ है। मैं वो हदीस जो है वो निकाल लेता हूँ अभी। अच्छा, उम्मत में से कोई भी इसका तर्जमा जो है ये करती है कि नबी हलाक कर दिया गया, जबकि आप अगर इसको वो लुगत में जैसे वो कह रहा था कि मुर्दा का माना ये भी है ना कि मर गए हैं वो, वफात पा गए, जबकि अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनको मुर्दा ना कहो, तो इन्होंने अपनी इस्तलाह के साथ ये कह दिया कि नहीं, मुर्दा का माना ये लेकर मैं ये कह सकता हूँ मुर्दा, जबकि अल्लाह फरमा रहे नहीं कहना। तो मैं वो हदीस सही बुखारी की 34:35 वो निकाल लेता हूँ, तो देखते हैं कि वहां पे क्या हलाक का माना, जबकि यही अगर लुगत में देखा जाए तो तबाहो बर्बाद का लफज भी, हलाक का जो माना है वो तबाहो बर्बाद भी आता है, तो क्या ये कहेंगे कि अंबिया जो है वो तबाहो बर्बाद हो गए? तो वहां पे हलाका का जो लफज है, कुल्लमा हलाका नबीयुन, यहाँ पे जो अल्फाज हैं ये अंबिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हम तर्जमा देखते हैं कि मैंने ये जो है अबू हुरैरा रजी तआला की मजलिस में 5 साल तक बैठा हूँ, मैंने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान करते सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी किया करते थे, जब भी उनका कोई नबी हलाक हो जाता। यहाँ पे जो इनकी जो वेबसाइट है 360, वहां पे लफज है हलाक हलाका, तो यहाँ पे के नबी हलाक हो जाता और दूसरे उनकी जगह आ मौजूद हो जाते, लेकिन याद रखो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, हाँ मेरे बाद नाइब होंगे। तो यहाँ पे भी हलाका का लफज है, तो क्या ये वहां पे हलाक का लफज जो है वो इस्तेमाल करेंगे? अब क्योंकि लुगवी एतबार से देखा जाए तो हलाका जो है वो तबाह बर्बाद के माना में भी आता है और भी इसके माना है लुगत में, जबकि अंबिया के लिए ये लफ्ज कभी भी आज तक हमने नहीं सुना कि वो इस्तेमाल करता हो। तो इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला उन्होंने ये अल्फाज जो है इन मानों में कि आपकी वफात पे इजमा हुआ, लेकिन ये कहता है कि नहीं उनको मुर्दा का, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला उन्होंने, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला उन्होंने कुरान की मुखालफत की। जी उस्ताद मोहतरम, तो आज भी यही काम हुआ, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आज भी यही काम हुआ कि वो इस तरह के इस्तदलालात और इस तरह की बोंगियां मार के फिर हमें सुन नहीं पा रहा, कह रहा है कि मैं मुझे म्यूट ना करो, मैं बोलना है। मैंने कहा आपको 2 बार टाइम दिया, आप जवाब देने दो कि अल्लाह ने उनकी वफात के बाद ही, उनकी वफात के बाद ही ये बयान किया अल्लाह तआला ने कि इनको आप मुर्दा ना कहो। और तफसीर खाजन भी जो है वो मैंने निकाली है, तो तफसीर खाजन में भी यही बात मौजूद है कि उन के बारे में कि जबकि ये कुछ लोग नबी अलैहिस्सलाम, दो दो तफसीर इसमें आती हैं कि कुछ लोग ये सहाबा में से कह रहे थे और कुछ ये था कि कुछ लोग बाहर से नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे थे कि ये जो है मर गए और इनकी जो दुनियावी नेमतें और लज्जतें हैं ये छिन गई, तो तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि नहीं इनको तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि ये तो रिज्क दिए जाते हैं, जो लज्जतें हैं नेमतें हैं वो तो मैं अता कर की हैं, इनको अता कर दिया है, इनको तुम मुर्दा ना कहो। जी उस्ताद मुत, मुझे नहीं पता कि मुझे लग रहा है कि पीर अस्कानी साहब से कोई डिबेट हुई है या कोई मुकालमा वगैरह हुआ है। मैं तो अभी आया हूँ, मेरे इलम में नहीं कि किस मौजू पे बात हुई और क्या दलायल हुए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह हजूर अलैहि सलातो सलाम जिस तरीके से उनकी हयात के अंदर वो तमाम इंसानियत से अफजल थे, हत्ता के तमाम इंसानियत से अफजल अंबिया होते हैं, और 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, और उन सब में से अफसल मेरे हजूर
अलैहिस्सलाम। तो जिस तरीके से आप जाहरी दुनिया के अंदर सबसे अफसल थे, वैसे ही आप पर्दा फरमाने के बाद भी सबसे ही अफसल है। अगर एक शहीद को हयात मिलती है आम इंसानों से बढ़ के, तो सारे शहीद भी बराबर नहीं है। एक वो शहीद है कि जो जनाब पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है, वो दाढ़ी मुंडा है, वो फासिक व फाजर है, लेकिन है शहीद। एक वो शहीद है कि जो इस्लामी जंग हुई तो उसके अंदर शहीद हुआ, वो सुम्मो सलात का पाबंद है, और वो सहाबी भी नहीं था, ताबई भी नहीं था, तबा ताबी भी नहीं था। अच्छा, एक वो शहीद है जो तबा ताबी था, एक वो शहीद है जो ताबई था, और एक वो शहीद है जो सहाबी था। अच्छा, सारे सहाबा भी बराबर नहीं है, और सब सहाबा की शहादतें भी बराबर नहीं है। शहीद दीगर सहाबा भी हुए हैं, और शहीद अमीरे तैबा अमीरे हमजा भी हुए हैं, हजरत इमाम हुसैन भी हुए हैं। तो पता क्या चला कि उम्मत में से जो शहीद भी हुए हैं वो भी आपस में बराबर नहीं है, उनके भी मरातब है। फिर नबियों की बात कर ले तो बहुत से नबी शहीद हुए। अब सहाबा की शहादत नबियों के बराबर नहीं हो सकती। तो जब शहीद को मुर्दा कहने से हमें मना कर दिया गया और कहा कि तुम जान नहीं सकते कि उनकी उनको किस किस्म की हयात दी गई है, तो भाई तुम क्या समझते हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम क्या शुहदा से ज्यादा उनकी उनका पर्दा फरमाना है या कम है या बराबर है? फैसला कर लो। तुम्हें कहना पड़ेगा कि आपका पर्दा फरमाना सबसे ही अल्लाह बाल है। अच्छा, तो फिर हयात भी सबसे अल्लाह बाला हुई। हजूर अलैहि सलातो सलाम का जाहिर और बातिन और आपका की जिंदगी मुबारक और आपका विसाल फरमाना, ये अकल में नहीं आ सकता। वो तो सहाबा के अंदर मौजूद थे तो सहाबा को नहीं समझ आए, हकीकते मुहम्मदी को सिर्फ अल्लाह जानता है, किसी को नहीं समझ आए, हकीकते मुहम्मदी नहीं किसी को समझ आए। तो आज 1400 1500 साल बाद क्या समझ आएगी जी? ख्वाब के अंदर ज़ियारतें तो हम अपने वालदैन की भी करते हैं, मैंने भी की है वालदैन की, अपनी वालदा मरहुमा की ज़ियारत। तो अपने पीर की करते हैं, अपने शेख की करते हैं ज़ियारत हम, और बुजुर्गों ने दीन की ज़ियारतें करते हैं, लेकिन किसी के बारे में नहीं कहा हुज़ूर ने, फरमाया कि शैतान जो है ना मेरी रूप में नहीं आ सकता। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। अच्छा, फिर बहुत से जी ऐसे वाकयात मिलते हैं
कि हजूर अलैहि सलातो सलाम ने जाहरी जियारत करवाई, जिसकी एक मशहूर मिसाल है इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी। ये इसी शेर के ऊपर जियारत हुई थी, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, जिसको लेकर के ये कादियानी अच्छा बहुत ज्यादा वावेला करते हैं। जी सर, मतलब अच्छा, एक दफा हुआ ये कि मैं बड़ी कश्मकश में आ गया, तो मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, तो अर्जी पेश की कि सरकार मैं कश्मकश में आ गया हूँ, और ये बाबे बुजुर्ग मुझे समझ नहीं आ रहे कि इनकी हकीकत क्या है। ये पीर फकीर, ये मुर्शद करीम और ये हजरत साहब मुझे समझ नहीं आ रहे, तो मसला हल करें, और अगर कोई साहबे नजर, साहबे कशफ, कोई बाबा बुजुर्ग पीर मुर्शद हजरत साहब हैं, तो हजूर उस हस्ती से मुझे मिलवाएं। तो फिर उस हस्ती से ना जी मिलवाया, और हस्ती पता है कौन थी? वो हस्ती के जिसको हजूर अलैहि सलातो सलाम ने जाहरी जियारत करवाई। अल्लाहु अकबर। जी सर मोहतरम, शायद मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में और भी कोई ऐसा हो अभी कि जिसको हजूर अलैहि सलातो सलाम ने जाहरी जियारत करवाई हो। तो मुझे उस बंदे से मिलवाया गया। अच्छा, वो बंदा मस्तूर है, अवामुन नास की नजरों से वो ओझल है, तो ये बात है हजूर को मुर्दा कहना है बहुत बड़ी एक बात है यार, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग कह लेते हैं, या क्या इनका जेन है, अल्लाह ही जानता है। कब्र में वो क्या, वो बुखारी की हदीस, वो तीन जो सवाल होने हैं कब्र में, उसमें क्या है, मा कुंता तकुलू फी हकी हाजर रजुल, इस शख्स के बारे में तू दुनिया में क्या कहता रहा। वो माजी इस्तमरारी है, कुंता तकुल माजी इस्तमरारी यानी पूरी अपनी जिंदगी के अंदर तू क्या कहता रहा। तो रजुल जो होता है ना, रजुल रूह को नहीं कहते, और ना ही रूह के बगैर जिस्म को कहते हैं रजुल, बल्कि जिस्म और रूह के मुरक्कब को रजुल कहते हैं। अगर रूह मुहम्मदी आती
यहां पे लफ्ज ये होना चाहिए था, फी हकी हाजे ही रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद की इस रूह के बारे में तू क्या कहता था। आप लफ्जों पे गौर कर ले। अब वो रजुल कब्र के अंदर आते हैं और फिर यक वक्त 1 लाख कब्र के अंदर आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। अब ये अकल में आने वाली चीज ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हकीकत मुहम्मदी को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो मैं और आप इस मुख्तसर सी जो अकल है ना उसमें नहीं ला सकते, वो नहीं आ सकती। ये चीजें बहुत आली चीजें हैं। ये तो उम्रें खप गई हमारे बाबों की, उनको नहीं समझ आया तो भाई तुम्हें क्या समझ आना, तुझे तो आता भी कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ इस इन मौजूदात पे गुफ्तगू ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर ना गुस्ताखी होती है। हम तो बहुत बड़ी गुस्ताखी समझते हैं भाई, वो फिर दिल टूटते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर ये मौजू ही ऐसा हसास मौजू है कि कोई बंदा भी रत्ती बराबर भी इसके ऊपर बात करे तो वो फिर बड़ा मसला होता है। तो अल्लाह ने तो ये बात कह के सब खत्म कर दिया ना जी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। जी साथ मोहतरम, ये है कि जैसे अब कादियानी भी करते हैं गुस्ताखियां, तो इस तरह के भी कुछ भी बातल कायद वाले आ जाएं तो फिर अहले सुन्ना व जमात को जवाब देना तो लाजम है, और इनका जो असल चेहरा है वो भी बताना लाजम है। अब मैं इस पर थोड़ी सी और कोई बात कह दूं साथ मोहतरम, जैसे कि जो माता का लफज हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसको मुर्दा के साथ ये कहते हैं कि मुर्दा कह सकते हैं, जबकि ये लफ्ज़ जो मुर्दा है ये हमारी अहले जुबान में जो है वो गलत समझा जाता है। जैसे कि हलाका का लफ्ज़ आया अंबिया के बारे में, तो हम कभी भी उसको तबाह हो बर्बाद, जबकि उम्मत वो जो एक आयत है कि कुछ ऐसी बस्तियां भी जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको हलाक कर दिया, तो वहां पे तबाह हो बर्बाद के माना में भी माना आया वहां पे, लेकिन अंबिया के लिए ये माना इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि सब का माना जो है वो राफजी जो है हजरत अमीर मुआविया रजी तारानों के बारे में ये कहते हैं, तो हम कहते हैं कि यही सब का जो लफज है नबी सलाम ने भी इस्तेमाल किया, अच्छा लेकिन वहां बात पे पता है हम क्या है, माना और करते हैं कादियानियों के माना। साथ जी खेलना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। उसकी वजह ये होती है कि उधर सिर्फ मिर्जे की जात डिस्कस होती है। अब ये मौजू इतना हसास है हजूर की जात पाक और ये तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना नुक्ता नजर है, इससे आप लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि मैं तो उस बंदे को कादियानियों से भी बदतर समझता हूँ जो हजूर को मुर्दा समझता है, या हजूर को मतलब अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे। ओए होए होए, हम तो ये लफ्ज सुन नहीं सकते तो इसके ऊपर डिबेट करना तो बड़ी दूर की बात है जी। नहीं मनना ओ परां जाके ना मनो, जो करना जो परां जा करो, लेकिन हमारे सामने बैठ के जब कोई बंदा ये
साबित करेगा या मुंह से निकालेगा एक दफा भी, हमारे ऊपर क्या गुजरनी है यार? क्या हम सुन लेंगे? भले दलाइल हमारे करोड़ दर्जे के वजनी क्यों ना हो, मैं कहता हूं बुला के दलाइली क्यों ना हो, लेकिन वो मुनाजरा कैसे कर लेंगे हम? मौजू देखे कौन सा है कि एक तरफ से साबित किया जा रहा है कि माज अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? ये मौजू ही यार, इसको मौजू को हम मुंह पे लाना जो है ना गुस्ताखी समझते हैं। वो लफ्ज सुन कैसे लेंगे हम? किस कौन सा ऐसा जिगरा लाएंगे हम? ये लफ्ज कैसे सुन लेंगे हम? तो वो ये लोग सारे मोहतरम आप देखें कि ये उम्मत मुसलमान पे शिरक के फतवे भी लगाते हैं, जबकि जब दलाइल जब हम देते हैं तो उसमें साफ वाजिया हमें पता चलता है कि वही जो फतवा हम पे लग रहा है वही जो है वो अम्बिया पे सहाबा पे भी लग रहा है, और अम्बिया को सहाबा को फिर अल्लाह की आयात को पेश करके ये इनकार करते हैं, अम्बिया को भी मुशरिक साबित करते हैं उसके ये लिए। जो है ना सीधा सा इसका एक हल है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से पहले ये अकीदा था ही नहीं, दुनिया में था ही नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से पहले ये अकीदा दुनिया में है ही नहीं था। ये जिस अकीदे पे बात हो रही है ये था ही नहीं। चहार दांग आलम एक ही अकीदा था कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये एक अकीदा था बस, था ही नहीं। इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। जी जरूर अर्ज करें। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये मौजू ही बड़ा अजीब सा है भाई, खास करके ये मौजू हजूर का इल्मे गैब या मतलब हजूर की रिफत या हजूर वो मौजू लग गया। ये मौजू बड़ा खतरनाक है। ये आशिकान जो हैं वो तो उनके लिए तो जलजला तारी कर देगा। हाँ ये मौजू बड़ा खतरनाक है। यार मेरा ना व्हाट्सएप जेड़ा जो है ना वो पता नहीं उसको क्या हुआ है एकदम, या तो उड़ गया मेरा व्हाट्सएप या अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है। तो वो सस्पेंड सा हो गया है, 24 घंटे का उसने कोई टाइम दिया है, पता नहीं अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है। और जामिया भाई खत्मे नबूवत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेंट पे जगह लेके काम शुरू कर दिया लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। वो इश्तेहार मिल गया होगा यार उस्मान मुशारती पैनल में, तो वो इश्तेहार ही इधर कोई थोड़ा सा लगा दें तो गुजरा वाले के भाई दाखले जो है ना ओपन हो गए हैं, तो जिसके गुजरा वाला में कोई रिश्तेदार रहते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चियों का टाइम जो है ना वो है, वो एक ही इमारत तो एक ही इस्तेमाल हम करेंगे, दिन के टाइम बच्चियों का टाइम है और इशा के बाद का टाइम रखा है लड़कों के लिए, क्योंकि कुछ आइमा हजरात भी शामिल हो जाएंगे कि वो आइमा के जिन्होंने दरस नामी नहीं की हुई तो वो अपनी नमाज वगैरह से फ्री हो करके तो वो क्लास में शामिल हो ना, उनके लिए आसान हो जाएगा कि मोटरसाइकिल पे ही बंदा आ जाता है। तो ये पैगाम भाई आम करना है आप लोगों ने,
इश्तिहार मिल गया है कि नहीं मिला भाई? शरारती पैनल में, जी उस आदमी तो मौजूद है वहां पे। हाँ जी, हाँ मुशारती जी पैनल के वो अंदर। लगा के रखे ना कोई, और मेरे पास तो अभी मोबाइल में नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा लगाएं ताकि, और उसके ऊपर थोड़ा सा दर्स वगैरह भी दें ताकि लोगों की तवज्जो थोड़ी सी हो जाए। सुबहानल, बड़े बड़े फितने हैं, क्या किया जाए यार। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओए होए होए, अच्छा शाह जी, मैं कुछ कहना चाहता जी, आप फरमाएं जी। था। जजाक अल्लाह जी। शाह जी, मैं एक बार एक दुआ में बैठा हुआ था, ये तीजे की या चालीसे की दुआ थी, तो उसमें जो मौलवी साहब आए हैं वो बजाते खुद तो माशाल्लाह स्टूडेंट थे बेचारे, तो उन्होंने जब बयान किया तो वो कब्र के इन्हीं तीन सवालों के ऊपर ही उसने बयान कर दिया। अब मैं बैठा हुआ था बीच में, तो कहने लगा कि कब्र में जो ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर शबी दिखाई जाएगी, तो ये तीसरा सवाल उनके बारे में तब होगा। मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा भाईजान मुझे एक बात बताओ, इस्लाम में तो फोटो है, मूर्ति है, मुजस्मे, ये तो मना है, अल्लाह पाक ने तो इनको हराम करार दिया है। जब अल्लाह पाक ने इनको हराम करार दिया तो फोटो कैसे दिखाएगा अल्लाह पाक का फरिश्ता आके? फिर अल्लाह वो माफ बेचारा करे। चुप कर गया, नहीं, मेरा मुंह हाजर मतलब मेरा नदीम के मुंह देखना शुरू अल्फाज हो गया। मौजूद है ना हदीस में। जी, हाजा, वो तो आका जी खुद आते हैं ना जी, हाँ हाँ आका जी बिल्कुल, खुद खुद आते हैं। जिस्म जिस्म और रूह जी जी समेत असली बेशक असली वाले बेशक। जिस्म के साथ तशरीफ लाते हैं। हाँ जी, तो मैंने रोक लिया उसको, मैंने कहा भाई देखो, तुम्हें जब नहीं पता है तो तुम गलत बयानी यहाँ पे मजमे में बैठ के नहीं करो, इन लोगों के अकायद को भड़काओ नहीं। तो मेरा मुंह देखे, मैंने कहा भाई अल्लाह पाक ने मेरे आका जी को ताकत दी है, वो उनकी अता की हुई कुदरत है अल्लाह पाक की, कि मेरे आका जी जहाँ चाहे जा सकते हैं, हाँ उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यार उनके ज़माने में जब एक जनाजा होता है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाकर दफन करके उस सहाबी के जब आते हैं, 40 कदम दूर होते हैं, तो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं तो पूछते हैं आका जी के बारे में। वो सहाबी देख रहे हैं कि कब्र में उनको सरकारे दो आलम नजर आ रहे हैं, इधर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह नो, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह नो, देखते हैं कि आका जी उनके साथ खड़े हैं। यार ये अल्लाह की कुदरत है यार, इससे अल्लाह क्यों इनकार करते हो, क्यों उनके मकाम से इनकार करते हो? खुदा की अजमतें क्या हैं ये मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है ये मोहम्मद अल्लाह, का खुदा जाने। जजाकअल्लाह जी। नहीं जी कोई जान ही नहीं, जानना ही नहीं किसी ने। हकीकत मोमदी कौन जानेगा जनाब, औकात ही ठीक नहीं है नशा जी, हमारी क्या हाँ औकात है, हम लोग तो जी, गुनाहों से भरे हुए लोग हैं, रियाकार, स्याकार, बदकार, और जिसको आई है ना गुनाहगार। समझ शायद वो खान साहब वो फिर चुप ही हो गए, या तो किसी को समझ नहीं आई, ते जिसको आ गई हकीकत मुहम्मदी की समझ तो वो तो फिर चुप ही हो गए। वैसे हमारे उलमा में ने तो ये लिखा है कि कोई भी नहीं जाना आपकी हकीकत बात से मोहम्मदी को, मुझे सिर्फ अल्लाह ही एक जानता है। आपकी बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया। क्या? जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये पंजाब की एक जेल में लाया जा, फैसलाबाद है कि सियालकोट है, कौन सी है कि लखपत, कौन सी जेल है, लाया जा रहा था ना, तो वहाँ पे एक अल्लाह का वली रहता था जो रास्ते पे बैठा रहता था, झाड़ू पाड़ू मारता था, चुपचाप बैठा रहता था, तो कभी भी बात नहीं करता था। जिस दिन उनको लाया जा रहा था उस दिन वो बहुत खुश और बहुत नारे मार रहा था, तो किसी ने पूछा यार तुम हमेशा चुप रहते हो, आज तुम नारे मार रहे हो, क्या चक्कर है? तो उसने कहा जी आज मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा जी एक शहर में दो दीवाने इकट्ठे नहीं रह सकते,
वो जुआर है, वो भी दीवाना है और मैं भी दीवाना हूँ। हम लोग दोनों, दो दीवाने एक शहर में नहीं रह सकते।